तो तुम जब गेम खेल रहे हो प्लेयर वन प्लेयर टू है, अगर प्लेयर वन प्लेयर टू खेलते के टाइम तुम उसको ये बता सको भाई तू डाइस की ना ये वाली मूव ले आ, तो तेरे को हेल्प होगी एंड तू फटाफट से डेस्टिनेशन में पहुंच पाएगा। अच्छा नहीं आई, फिर नेक्स्ट टाइम जब टर्न आई तो उस टाइम फिर बता दिया भाई तेरे को डाइस की ये थ्रो चाहिए सो दैट तू जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच जाए। तो जैसे 2048 गेम बना सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता है, आई थिंक ऐप में खेला होगा, नहीं खेला तो खेलो जाके और उसको खुद से बनाने की कोशिश करो। व्हाट्सएप में होता है फ्रीक्वेंटली कॉन्टेक्टेड लिस्ट आता है कि तुमने किससे रिसेंटली ज्यादातर चैट कर रहे हो, है ना, उसके पीछे LRU कैशे लग रहा होता है ना, LRU कैशे में भी हम वही यूज कर रहे होते हैं लिंक लिस्ट वगैरह, तो वहां पर जो यूज हो रहा था वो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। हाय मायसेल्फ पारिक हियर। सो यार आज के सेशन में इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आइडियाज के बारे में बात करने वाला हूँ जिनमें केवल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की नॉलेज चाहिए। तो केवल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से भी काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं और मैं वही बताने वाला हूँ आज, तो एंड तक रहना एंड यू विल गेट टू नो ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। और अगर पसंद आए वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, वो भी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स बना लेंगे एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब हो जाएंगे। ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट प्रोजेक्ट आइडियाज। तो पहला आइडिया है यार बोर्ड गेम्स जिसमें बहुत ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं चाहिए, 2D arrays की नॉलेज चाहिए, थोड़ी बैक ट्रैकिंग की नॉलेज चाहिए, तो जैसे 2048 गेम बना सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता है, आई थिंक ऐप में खेला होगा, नहीं खेला तो खेलो जाके और उसको खुद से बनाने की कोशिश करो। एंड दीज प्रोजेक्ट आइडियाज आर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, तुम C++ में बना सकते हो, जावा में बना सकते हो, जावास्क्रिप्ट में बना सकते हो, किसी में बना सकते हो। जावास्क्रिप्ट में फायदा होता है थोड़ा UI अच्छा मिल जाता है, वरना किसी में भी बना सकते हो। ठीक है तो लैंग्वेज की टेंशन मत लेना, लॉजिक पे फोकस कर रहा हूं। तो 2048 का ना एक फंक्शन होता है कि एक मूव चली तो क्या होगा, जैसे वो 2+2 कंबाइन कर देता है, 4+4 को 8 बना देता है, वो सब कैसे हो रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है 2048 में। और कभी कई बार नहीं भी पता तो इंटरव्यूअर बोल देता है क्या तुमने 2048 गेम खेली है, अगर खेली है तो वो बोलेगा यार एक मूव कैसे होता है उसके पीछे लॉजिक बता दो, है ना, तो इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज उसी टाइम तुम्हें उस टाइम सोचना पड़ेगा। तो ये 2048 गेम तो हम सबको बना लेनी चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग होता है टू इम्प्लीमेंट अ सिंगल मूव। ठीक है इसके अलावा बोर्ड गेम्स में हम सुडोकू बना सकते हैं, है ना, कि सुडोकू को एक फिल करना है, हम नंबर्स फिल करेंगे, दैट विल बी देयर, बट उसमें इंटरेस्टिंग क्या कर सकते हैं कि हर पॉइंट पे इज वैलिड सुडोकू, जो एक कॉमन बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है वो यूज कर सकते हैं सिंस वी हैव दैट नॉलेज। तो जैसे ही कोई यूजर एक फिल कर रहा है नंबर, हम इस वैलिड सुडोकू पीछे से कॉल कर देंगे और उसको बता देंगे भाई भाई तू सही कर रहा है नहीं कर रहा, है ना, उसको बता देंगे अच्छे से, सो दैट विल बी देयर, काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ठीक है तो हम इंटरेस्टिंग बोर्ड गेम्स बना सकते हैं, इसके अलावा माइंड स्वीपर भी बना सकते हो, जो तुम्हारा मन करे बना सकते हो, बट इंटरेस्टिंग बोर्ड गेम्स वी कैन इंप्लीमेंट फॉर श्योर विद नॉलेज ऑफ 2D arrays एंड लिटिल बिट ऑफ बैक ट्रैकिंग। ठीक है नाउ द नेक्स्ट प्रोजेक्ट आइडियाज पे चलते हैं। सो नेक्स्ट मेरे हिसाब से हफमैन कोडिंग है। हफमैन कोडिंग इज द कंप्रेशन एल्गोरिथम, जैसे हम फाइल में लिखते हैं और जब वो स्टोर होती है तो फाइल कंप्रेशन होता है ना, कम बाइट्स लेते हैं, तो जनरली करेक्टर्स 1 या 2 बाइट ले रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज, बट जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो करेक्टर्स की कम स्पेस लग रही होती है। अब उसके पीछे एल्गोरिथम है हफमैन कोडिंग की और ये एल्गोरिथम सबको इंप्लीमेंट करनी चाहिए बिकॉज इसमें सारे डेटा स्ट्रक्चर्स यूज हो जाते हैं, ट्रीज यूज हो जाता है, प्रायोरिटी क्यू यूज हो जाता है, हैश मैप यूज हो जाता है, दो बारी हैश मैप यूज हो रहा होता है, तो काफी इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम हो जाती है। तो हमने जो भी सीखा है उसको हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं। ठीक है तो ये हफमैन कोडिंग वाली चीज तो बहुत अच्छे से करनी चाहिए, तुम्हें समझ में आ जाता है कि जब हम फाइल को जिप करते हैं तो वो क्या हो रहा होता है उसके पीछे हफमैन कोडिंग लग रही होती है और वो कैसे हो रही होती है। ठीक है तो ये प्रोजेक्ट आइडिया तो मस्ट है फॉर एवरीवन हु इज लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, हफमैन कोडिंग से बहुत सही लर्निंग होगी। ठीक है नाउ द नेक्स्ट आइडिया यू कैन वर्क ऑन इज फोन डायरेक्टरी, जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है अपनी, है ना, कि पहले ए से है फिर बी से है फिर सी से है, ऐसे हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तो अगर हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है, हमारे को अपनी फोन डायरेक्टरी बनानी है, तो उसके अंदर हम डबली लिंक लिस्ट से बनाते हैं जनरली, है ना, क्योंकि उसमें क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, अपडेट करना है कोई कॉन्टैक्ट, डिलीट करना है तो डिलीट करना लिंक लिस्ट में आसान होता है ना, सिमिलरली कुछ ऐड करना है कहीं पर भी ऐड करना पड़ सकता है, तो काफी इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस आ जाते हैं, है ना, और उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो, वेरिएशन बना सकते हो कि यार लाइक पारिक के नाम से 3 फोन नंबर हो सकते हैं तो वो एक ही में स्टोर कर लेंगे हम, है ना, ऐसे ऐसे डिफरेंट चीजें हो सकती है, अपडेट करना पड़ सकता है कि यार ये वाला फोन नंबर अपडेट करना है, तो यू कैन इंप्लीमेंट डिफरेंट ऑपरेशंस इन द फोन डायरेक्टरी और काफी इंटरेस्टिंग होता है यूजिंग डब्ली लिंक लिस्ट, और उसमें ट्री सेट का भी यूज कर सकते हो, हैश सेट का भी यूज कर सकते हो, सो दैट तुम्हारी चीजें ऑप्टिमाइज रहे, है ना, एक ऑप्टिमाइज्ड फोन डायरेक्टरी का एक थोड़ा कम ऑप्टिमाइज है, तो ऑप्टिमाइज वाली पे फोकस करो, है ना। इसके बाद इसमें तुम और इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप में होता है फ्रीक्वेंटली कॉन्टेक्टेड लिस्ट आता है कि तुमने किससे रिसेंटली ज्यादातर चैट कर रहे हो, है ना, उसके पीछे LRU कैशे लग रहा होता है ना, LRU कैशे में भी हम वही यूज कर रहे होते हैं लिंक लिस्ट वगैरह, तो वहां पर जो यूज हो रहा था वो यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो एक फोन डायरेक्टरी का पूरा अच्छे से
कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना अच्छा खासा प्रोजेक्ट हो सकता है यूजिंग ओनली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, है ना। तो ये बिल्कुल अच्छे से ट्राई करना, तुम्हें मजा आएगा और काफी सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी टू इम्प्लीमेंट अ क्लीन फोन डायरेक्टरी। इसके अलावा नेक्स्ट चीजें क्या कर सकते हो, तुम ग्राफ की एल्गोरिथम से इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे ग्राफ में जो BFS एल्गोरिथम होता है, और एक हमने स्नेक एंड लैडर गेम खेला होगा, है ना, सब लोग खेला हुआ होता है। तो स्नेक एंड लैडर में क्या होता है कि हमें हर पॉइंट पे अगर हम बता सके कि मेरे को डाइस की क्या चाहिए, 1 चाहिए 2 चाहिए 3 चाहिए, सो दैट मैं एंड पे फटाफट से पहुंच पाऊं, है ना। तो वो BFS एल्गोरिथम में पता होता है मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड, कि हम इस पॉइंट पे हमें यहां जाना है तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स चाहिए सो दैट हम डेस्टिनेशन पे आराम से पहुंच जाएं, जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, राइट, दैट इज व्हाट वी रिक्वायर। तो तुम जब गेम खेल रहे हो, प्लेयर 1 प्लेयर 2 है, अगर प्लेयर 1 प्लेयर 2 खेलते के टाइम तुम उसको ये बता सको भाई तू डाइस की ना ये वाली मूव ले आ, तो तेरे को हेल्प होगी एंड तू फटाफट से डेस्टिनेशन में पहुंच पाएगा। अच्छा नहीं आई, फिर नेक्स्ट टाइम जब टर्न आई तो उस टाइम फिर बता दिया भाई तेरे को डाइस की ये थ्रो चाहिए सो दैट तू जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच जाए, है ना। तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बन सकता है, एंड तुमने एक अच्छा खासा स्नेक एंड लैडर गेम बना दिया और उसमें बता दिया भाई तेरे को अब क्या चाहिए डाइस का, है ना, तो तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ग्राफ के एल्गोरिथम से और क्या कर सकते हो, स्प्लिटवाइज टाइप की ऐप जो होती है ना, स्प्लिटवाइज सब लोग यूज करते हैं कि मतलब मैंने किसी से पैसे लिए हैं, उसने किसी और से पैसे लिए हैं, फिर उसने किसी और से पैसे लिए, ऐसे बहुत ज्यादा लूप होल्स बन जाते हैं। तो स्प्लिटवाइज क्या करता है, एकदम से बता देता है यार तूने उससे लिए उसने उससे लिए, तो एक काम कर तू डायरेक्टली उसको दे दे, राइट, कि जो भी अमाउंट लमसम बचा वो उधर की साइड दे दे, जिससे कि कैश फ्लो मिनिमम रहे, है ना। ऐसा ना हो मैं उसको दे रहा हूँ फिर वो उसको दे रहा है, ये तो साइकिल बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो स्प्लिटवाइज हैंडल इट परफेक्टली। वो कैसे करता है, वो एक मिनिमाइज मिन फ्लो टाइप की चीज होती है ग्राफ एल्गोरिथम्स में, उसको यूज करता है कि हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं, उन्होंने एक दूसरे को पैसे दे रखे, अच्छा मुझे फटाफट से बता दे किसको कितने पैसे देने हैं सो दैट वो ऑप्टिमाइज रहे और फालतू काम ऐसा नहीं हो रहा कि कैश यहां भी जा रहा है फिर वहां से वहां जा रहा है, बसड़ हो जाएगी, तो वो नहीं करने देता। ग्राफ के एल्गोरिथम का यूज करके हम वो स्प्लिटवाइज वाला कि मिन कैश फ्लो रहे वो भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसी कुछ एक नाइट्स का गेम होता है, जैसे चेस का गेम खेलते हैं कि मिनिमम नाइट मूव्स कितने कितने चाहिए अगर मुझे सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन पे जाना है, तो नाइट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चल सकता है। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बना सकते हो अपने चेस गेम में कि भाई नाइट का ना करते को यहां से यहां जाना है तो तू ये वाली चीजें चल, जैसे स्नेक एंड लैडर में करा तो यूजर को ये बता दिया अगर तू नाइट यूज करा तो ये वाली चीजें कर ले, है ना। केवल नॉट ओनली नाइट, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, राइट, तो डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो कि अगर तुम्हारा वजीर है तो क्या चलू, है ना। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यू कैन इंप्लीमेंट इन द चेस गेम, और उससे तुम इंटरेस्टिंग ग्राफ एल्गोरिथम्स का यूज करके अपने गेम्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। दोज कैन बी द इंटरेस्टिंग गेम्स। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे हिसाब से जो तुम बहुत सारी एल्गोरिथम सीखते हो, लाइक जैसे तुमने टावर ऑफ अनाई सीखा, तो तुम क्या बना सकते हो, एक इंटरफेस बना सकते हो जिसके अंदर यूजर ना इनपुट देगा कि टावर ऑफ अनाई में क्या है, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन में जाना है सो दैट चीजें ऑप्टिमाइज रहे, है ना, उसमें एक रूल्स होते हैं, तो चार डिस्क के लिए कैसे चलता है उसको एक बारी करके दिखा दिया, राइट, जावास्क्रिप्ट में किसी तरह विजुलाइज कर दिया। तो तुमने एक इंटरफेस बना दिया, अगर टावर ऑफ अनाई किसी को समझना है तो n=4 डाला उसने और तुमने दिखा दिया कि ये कैसे चलता है, दैट कैन बी वन थिंग। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम दिखाना है तो यूजर को बोला तू थोड़ा इनपुट दे दे, UI पे इनपुट दे दे, मैं तेरे को दिखाऊंगा कि शॉर्टेस्ट पाथ कैसे आ रहा है ना, दैट यू कैन मेक। सिमिलरली BFS कैसे चल रहा है ना, सिमिलरली क्रुस्कल एल्गोरिथम कैसे चल रहा है, प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे चल रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स में तुम क्या कर सकते हो, यूजर से इनपुट लो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे को दिखाना है, जो मेरे को करके दिखाना है वो मैं UI पे डिस्प्ले करूंगा, दैट यू कैन मेक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स लो, लाइक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स ले सकते हो कि यार मैंने इनपुट लिया अब मैं इसमें दिखा रहा हूं मर्ज सॉर्ट पीछे कैसे चल रहा है, जिससे कि लोगों को ड्राई रन करना ईजी हो, है ना, इंसर्शन सॉर्ट कैसे चल रहा है, सिलेक्शन सॉर्ट कैसे चल रहा है, तो इनपुट लिया और थोड़ा सा UI का यूज करके हमने दिखा दिया देखो ये ऐसे चलता है, है ना। तो एल्गोरिथम्स के अराउंड हमने डिफरेंट डिफरेंट UI का यूज करके हम इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि हम यूजर को दिखाएंगे देख इंसर्शन सॉर्ट ऐसे चलता है, देख क्रस्कल एल्गोरिथम ऐसे चलता है, दिस यू कैन मेक एंड दिस विल बी एन अगेन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। तुम्हारे पास जो एल्गोरिथम तुमने पढ़ी थी उसको अप्लाई कर रहे हो और उसको दिखा भी पा रहे हो एज अ प्लीजिंग वे ऑन UI, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज थे जो मैंने सोचे थे। इसके अलावा तुम जैसे DP की एल्गोरिथम होती है, काफी सारे क्वेश्चन होते हैं जैसे मिन जंप्स टू रीच एंड, है ना, कि हर एरे में गिवन है अलग अलग पॉइंट पे हमें पता है कि यहां से इतने जंप्स ले सकते हैं, यहां से इतने जंप्स ले सकते हैं, तो क्या ऑप्टिमल वे होगा कि मैं फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाऊं। ऐसे तुम इंटरेस्टिंग गेम्स बना सकते हो, जो होता है ना कि अगर तुम्हारे को एक ऐसा गिवन है यहां से ये जंप्स ले सकते हो तो तुम बताओ क्या ऑप्टिमल वे होगा, है ना, तो ऐसा कुछ गेम बना सकते हो। तुम्हें पता है बेस्ट वे यही है,
तो यूजर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जस्ट इमेजिन कि यहां से यहां जाना है तो क्या तू पाथ यूज करेगा, है ना। ऐसे तुम डीपी के ग्रीडी के एल्गोरिथम जो है उनको किसी तरह यूआई पे इंटीग्रेट करके इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बना सकते हो, है ना। ये ओवरऑल प्रोजेक्ट आइडियाज हैं जो तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो। मुझे लगता है जो शुरू के चार थे वो तो हमें कर ही लेने चाहिए, दैट विल बी क्वाइट वेरी वेरी फन, है ना। उसमें बहुत मजा आएगा करने में, बिकॉज हमें केवल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की नॉलेज चाहिए और हम उनको आराम से बना सकते हैं, ठीक है। आई होप यू विल लर्न फ्रॉम दिस, आई होप यू विल इंप्लीमेंट दीज प्रोजेक्ट्स, एंड जब कर लो तो यहाँ कमेंट बॉक्स में दिखाना अपना प्रोजेक्ट, दैट विल आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू वॉच ऑल ऑफ देम, एंड गुड लक फॉर दिस।